अस्सलाम वालेकुम। आप बहुत मुबारक हो, रमजान मुबारक। आपको भी जी बहुत मुबारक। तो खैर मुबारक। मौलाना साहब से ये पूछना था कि कुरान पाक जो हम पढ़ते हैं वो क्या, जैसे हम कंप्यूटर खोल के, जैसे मेरा असल में ये सवाल था कि जैसे औरत नापाक होती है तो क्या वो कुरान पाक कंप्यूटर खोल के पढ़ सकती है या नहीं पढ़ सकती। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है जी। हाँ, इसका जवाब यह है कि नापाकी के दिनों में औरत के लिए कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं है। जबानी भी नहीं पढ़ सकती और कुरान को हाथ भी नहीं लगा सकती। इसमें औरत पे कोताही करती हैं कि वो कहती कि जबान तो हमारी पाक है, जबानी पढ़ सकती। ऐसा नहीं है, बल्कि हदीस में मना है। जबानी हाथ पढ़ भी सकती और उसको हाथ भी नहीं लगा सकती, इसे कंप्यूटर के अंदर खोल के, हाँ उसको कंप्यूटर में खोल के देख सकती हैं, देख के सोच सकती हैं कि क्या आयत है। आप उसको जबान से उसका जो है तलफ्फुज नहीं कर सकती। इतना फायदा है कि कंप्यूटर में आप सिर्फ उसको देख सकती है लिखे हुए को, लेकिन तलफ्फुज से पढ़ने की इजाजत नहीं है। यानी खामोशी से पढ़ सकती है, खामोशी जी, बगैर दोहराए हुए दिल में।